गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 4 सितंबर 2019 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स का। आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें और इन क्वेश्चंस की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की PDF फाइल। और अभी अगस्त महीने की संपूर्ण करंट अफेयर का वीडियो भी अपलोड किया है तो उसमें अगस्त महीने के टॉप 50 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए गए हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें और लास्ट तक जरूर देखें। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो स्टार्ट करते हैं आज ही करंट अफेयर, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई बीमा योजना ABMGRSBY किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये किए राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किए ये ABMGRSBY योजना। अब ये इसकी फुल फॉर्म है क्या, पहले फुल फॉर्म बताते हैं। AB की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत, फिर महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये फुल फॉर्म है, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये शुरू की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। अब ये है क्या, तो जो केंद्र सरकार, जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना थी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और जो राजस्थान में जो बामाशाह की योजना चल रही थी उन दोनों को मिला के अब यह बीमा योजना बना दी गई है ABMGRSBY यानी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये दोनों जो केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है उसको और राजस्थान में जो बामाशाह योजना चल रही थी अभी तक उस दोनों को मिलाकर अब ये नई योजना बना दी गई है ABMGRSBY। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किए। तो राजस्थान को देखते हैं मैप में, ये रहा मैप में राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और अभी जयपुर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था अभी जयपुर को कुछ दिन पहले। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यही है अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री। और राजस्थान के राज्यपाल अभी नए बने थे, कल ही बताया था राजस्थान के राज्यपाल बने थे, अभी नए राज्यपाल बने थे कलराज मिश्र। तो अभी 5 राज्यों के राज्यपाल बनाए गए और इनसे पहले 10 राज्यों के हुए थे राज्यपाल। तो ये 5 राज्यों के बताते हैं एक बार राज्यपाल। तो राजस्थान के बने अभी कलराज मिश्र और महाराष्ट्र के बने भगत सिंह कोश्यारी और तेलंगाना के बने डॉक्टर तमिल साई सौंदरराजन, केरल के बने आरिफ मोहम्मद खान और हिमाचल प्रदेश के बने बंडारू दत्तात्रेय। कौन बने? बंडारू दत्तात्रेय। तो 5 राज्यों के राज्यपाल याद रखने। और राजस्थान के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यानी रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है सवाईमाधोपुर में। और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी राजस्थान में, तो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा राजस्थान में राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है राजस्थान से। तो ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जिससे कि करंट अफेयर के साथ साथ आपका आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि डेली करंट अफेयर के वीडियो आप तक तो पहुंच सकें डेली मॉर्निंग में। तो ये चैनल बहुत हेल्पफुल है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेक गणराज्य में शॉट पुटर
तेजिंदर पाल सिंह तूर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है सिल्वर मेडल, यही है तेजिंदर पाल सिंह तूर, और इन्होंने जीता है चेक गणराज्य में सिल्वर मेडल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है रजत। तो चेक गणराज्य में शॉट पुटर तेजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता है सिल्वर मेडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप में अपूर्वी चंदेला ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो अभी शूटिंग वर्ल्ड कप में अपूर्वी चंदेला ने जीता है स्वर्ण पदक, यही है अपूर्वी चंदेला, और इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल। और एक और क्वेश्चन है, शूटिंग वर्ल्ड कप हो कहाँ पे रहे हैं? अभी कल परसों भी बताया है, शूटिंग वर्ल्ड कप अभी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हो रहा है शूटिंग वर्ल्ड कप। तो इसी में अभी अपूर्वी चंदेला ने जीता है गोल्ड मेडल। इससे पहले कल बताया था, कल परसों में बताया था, अभी संजीव राजपूत ने जीता था इसमें शूटिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल, और अभिषेक वर्मा ने जीता था गोल्ड मेडल। तो ये ध्यान रखने पीछे, तो ये शूटिंग वर्ल्ड कप में अभी अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जिताई है गोल्ड मेडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में रिलायंस पावर ने गैस आधारित बिजली संयंत्र के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किए हैं बांग्लादेश के साथ। तो हाल ही में रिलायंस पावर ने गैस आधारित बिजली संयंत्र के लिए रिलायंस पावर के साथ समझौता किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश में, बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, उसके पास में एक जगह है, जगह का नाम है मेघनाथ। क्या है? मेघनाथ। तो वहीं पे रिलायंस पावर वहीं पे अपना 750 मेगावाट का गैस आधारित बिजली संयंत्र लगाया गया, इसी के लिए समझौता किया है रिलायंस पावर ने बांग्लादेश के साथ। अब ये क्या है बांग्लादेश के साथ, तो मैप में देखते हैं बांग्लादेश को, ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के अब्दुल्ला हामिद। तो ये समझौता बांग्लादेश ने किया है, बांग्लादेश के साथ किया है रिलायंस पावर ने गैस आधारित बिजली संयंत्र के लिए। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के, ढाका में जो एक जगह है मेघनाथ, वहीं पर रिलायंस पावर 750 मेगावाट का गैस आधारित बिजली संयंत्र बनाएगा, इसी के लिए समझौता किया है रिलायंस पावर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में रूस में आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता में, यानी वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह बनी श्वेता रतनपुरा, ऑप्शन ए करेक्ट है श्वेता रतनपुरा, यही है श्वेता रतनपुरा, और ये विश्व कौशल प्रतियोगिता यानी वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप, इसमें पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो ये रूस में आयोजित हुई है विश्व कौशल प्रतियोगिता, तो इसी में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है श्वेता रतनपुरा, यही है श्वेता रतनपुरा। तो ये प्रतियोगिता हुई है रूस में, और भारत ने कुल इस प्रतियोगिता में 16 पदक जीते हैं, 16 पदक, जिनमें से मात्र एक महिला यही है श्वेता रतनपुरा। 16 पदक में से 13 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। तो 13 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं भारत ने। टोटल 16 पदकों के साथ भारत इस प्रतियोगिता में 13वें स्थान पर आए, भारत इसमें 13वें स्थान पर। टोटल 63 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसमें भारत ने 13वें स्थान पे 16 पदकों के साथ। तो अकेली महिला यही है श्वेता रतनपुरा, जिसने विश्व कौशल प्रतियोगिता में पदक जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ये बने लसित मलिंगा, यही है लसित मलिंगा, ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज है लसित मलिंगा, और इन्होंने T20 में सर्वाधिक विकेट लेने का गेंदबाज बने, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। तो अभी इन्होंने 99 विकेट लिए हैं, इनसे पहले शाहिद अफरीदी ने लिए थे 98 विकेट, पाकिस्तान के हैं शाहिद अफरीदी, तो उन्हीं के रिकॉर्ड को तोड़ा है लसित मलिंगा ने। तो लसित मलिंगा ने लिए थे 99 विकेट
और शाहिद अफरीदी ने लिए थे 98, तो इन्हीं के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है लसित मलिंगा ने। तो ये श्रीलंका के गेंदबाज है लसित मलिंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राघवेंद्र सिंह। यही पुस्तक इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक है राघवेंद्र सिंह। तो यही पुस्तक और इसी का अनावरण किया गया है, और ये पुस्तक पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा है इसके इतिहास पर आधारित है ये पुस्तक। और ये राघवेंद्र सिंह भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के माने जा सकते, ये भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के माने जा सकते राघवेंद्र सिंह। तो इन्हीं की पुस्तक है ये इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इसी का अनावरण किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन सी करेक्ट है, यही है नरेंद्र मोदी, और इन्हीं को ही अभी ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब इन्हें सम्मानित क्यों किया जाएगा? तो जो स्वच्छ भारत अभियान था उसमें जो प्रधान मोदी ने नेतृत्व किया था स्वच्छ भारत अभियान का, तो उसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को इससे सम्मानित किया जाएगा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से। और ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड देता कौन है? तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड देता है बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो बिल गेट्स की वाइफ है मिलिंडा गेट्स, इन्हीं का फाउंडेशन है ये, बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स का फाउंडेशन है, तो यही ये अवार्ड देता है। तो अब इस बार ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा नरेंद्र मोदी को। तो बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स, तो ये फाउंडेशन है, और इसी फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी सन 2000 में, और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, डीसी के बुलबर में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की, और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में। तो इसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोलकीपर ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गरवी गुजरात भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में किया गया है ये उद्घाटन, और इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। तो हाल ही में नई दिल्ली में गरवी गुजरात भवन का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और ये क्या है? गरवी गुजरात भवन, इसमें गुजरात की संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा इसके अंतर्गत, जैसे गुजरात के खाने को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। तो यही है गरवी गुजरात भवन, और इसी का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में। तो इसमें गुजरात की संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा इसके अंतर्गत, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? तो ये किए रशिया ने, यानी रूस ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो जो गगनयान मिशन है उसी के लिए चार अंतरिक्ष भारतीय यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है रशिया ने, यानी ट्रेनिंग देने की घोषणा की है चार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस ने। अभी ये रूस ने किया है, तो मैप में देखते हैं रूस को, ये रहा मैप में रूस, रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूस की रशियन रूबल, क्या है? रशियन रूबल। और रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं दमित्री मेदवेदेव, और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं रूस से, तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, और विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान है रूस में बर्कोयास, तो ये याद रखना है बर्कोयास सर्वाधिक ठंडा स्थान है वर्ल्ड का जो कि रूस में स्थित है, और एरिया वाइज रूस वर्ल्ड का
पहला देश है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो रूस ने गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को, चार अंतरिक्ष यात्रियों को ये प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। हाल ही में SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 15 किताब किसने जीता है? तो ये किताब जीता है अपने देश भारत ने नेपाल को हराकर। तो भारत ने नेपाल को हराकर सेफ अंडर 15 किताब जीता है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, भारत। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में बेल्जियम ग्रांड प्री 2019 किसने जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन से या एडिशनल सजेशन के लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें डेली करंट अफेयर के। और अगर और PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से। और अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हो। और अभी अगस्त महीने के टॉप 50+ करंट अफेयर के क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड किया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लें, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त महीने के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वीडियो को जरूर देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। तो थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।